Myself Harsh Pandey. I'm from Oswal School, Bhiwandi City, from Thane district. And our project name is Eco-Friendly Remedies for Railway Sewage Management. And our aim is to control the pollution done by the railway sewage, and against this, produce energy which can solve the energy crisis. सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, मीन्स हमारे जो इंडियन रेलवेज है आजकल लॉन्गेस्ट रेलवे रूट्स में आ गया है, बट सर इसमें कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां हैं जो किसी को नहीं दिखती. सर इसका प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो सैनिटरी अरेंजमेंट्स है वो ओपन है. इससे क्या होता है, जितने भी सारे ह्यूमन फेसेस, यूरिन वेस्टेज है वो सब ट्रैक्स पर गिरते हैं. इससे प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिलती है हमें. सर देख सकते हैं यहाँ पर, पहले हमने दिखाया है कि यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब इसे फीडिंग करने के लिए जब डोमेस्टिक एनिमल्स आते हैं उनका एक्सीडेंट होता है, वो डिकेइंग होते हैं, उनमें से जो हार्मफुल बैक्टीरियाज निकलते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं. और सेकंड प्रॉब्लम सर, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो दो प्रॉब्लम से फेसेस कर रहा है, सबसे पहला वाटर क्राइसिस और सेकंड एनर्जी क्राइसिस. यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसे साफ़ करने के लिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन होता है. और सर थर्ड पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रेन जब ब्रिज के ऊपर से जाता है तो उसे प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती है, हमारे स्टमक में और हमारे यूरिन में क्या रहता है, हुक वर्म्स, स्टेप वर्म्स, ऐसे वर्म्स रहते हैं हार्मफुल वर्म्स जो हमें कॉन्टीजियस डिसीजेज के लिए रहते हैं. इन सब के लिए, इन सब को प्रिवेंट करने के लिए हमने एक रेमेडीज बनाया है. नाउ लेट अस नो समथिंग अबाउट आवर प्रोजेक्ट. माय प्रोजेक्ट व्हाट इज रियली, इट इज़ ऑफ थ्री टेक्नोलॉजीज. सर पहला इंडिकेटर टेक्नोलॉजी, इट मीन्स डेट वी हैव बिल्ड अ सेप्टिक टैंक. सर हमने सेप्टिक टैंक बिल्ड किया है, इसका मतलब जब भी हम इसके अंदर सैनिटरी अरेंजमेंट्स इसके यूजेस करेंगे तब क्या होगा, जितने भी ह्यूमन फेसेस है, वेस्टेज है, वो डायरेक्टली ट्रैक पर ना गिरते हुए हमारे सेप्टिक टैंक में गिरेंगे. इट्स मीन्स दैट आवर पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन था वो 0% हो गया सर. बट अभी हमें 0% से इसे पॉजिटिव वे में ले जाना है. इसके लिए हमने थ्री टेक्नोलॉजीज यूज़ किया. पहला है सर इंडिकेटर. ये इंडिकेटर इंडिकेट्स करेगी मीन्स कि कितना लेवल हमारा जो सीवेज टैंक है, सेप्टिक टैंक, कितना सीवेज उसमें भरा हुआ है. देख सकते हैं 1/4 भरेगा तो फर्स्ट लेवल लाइट इंडिकेट हो गए, और सेकेंड तो हाफ, और जब सर फुल हो जाएगी मीन्स 90% एमरजेंसी, तो हमारी जो थर्ड लाइट है वो जलेगी और बजर बजेगा, मीन्स ड्राइवर को पता चलेगा. अभी सेकेंड टेक्नोलॉजी क्या है, ये फुल होने के बाद हमारा सेफ्टी टैंक, अभी हमें इसे कहीं ना कहीं डिस्चार्ज करना है, तो इसके लिए हमने एक सेकेंड टेक्नोलॉजी की है, सक्शन पम्प. ये सक्शन पम्प क्या किस लिए इस्तेमाल में आता है, जब भी हमारी ये जंक्शन स्टेशन पर हमारी ट्रेन खड़ी होगी उसके बाद हम इसे सक्शन पम्प को ऑन करेंगे, और जितना भी यूरिन, सम वेस्टेज, फिशेज है डायरेक्टली ट्रेन से सब सेप्टिक टैंक से सब डायरेक्टली कलेक्ट होके ये बायोगैस प्लांट में जाएंगे. अब बायोगैस के यूजेस अनलिमिटेड है, बट मैं दो यूजेस बताना चाहता हूँ. इससे जो कि एनर्जी मिलती है वो ग्रीन एनर्जी रहती है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन एनर्जी रहती है, क्लीन एनर्जी. इट्स मीन्स दैट जो मीथेन है वो कोई भी पॉल्यूशन नहीं करता, वो मीथेन को हम आजकल पेट्रोलियम गैस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. और सेकेंड प्रॉब्लम है हमारे शेतकारी लोग, मतलब हमारे जो फार्मर्स लोग हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, उसका रीज़न से जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर से उसे इस्तेमाल करने के बाद ये जो हमारा ज़मीन रहता है हमारा पूरा सैलाइन हो जाता है. इसे प्रिवेंट करने के लिए हमने नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनाए हैं, देख सकते हैं आप, मतलब जो स्लरी इससे बचती है, इससे जो वेस्टेज बचती है वो हम ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स उससे बनाएंगे. यस सर. इट्स मीन दैट और थर्ड टेक्नोलॉजी सर, ये एमरजेंसी टेक्नोलॉजी है. इट्स मीन दैट जैसा कि दिल्ली जैसा प्लेटफॉर्म रहा जहाँ पे 16 प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर हम इतने मतलब इतने ज़्यादा बड़े पैमाने में मतलब पाइप्स नहीं ले जा पाएंगे, इसके लिए एमरजेंसी टेक्नोलॉजीज यूज़ किए. ये एमरजेंसी टेक्नोलॉजीज नॉब खींचने पे होगी. ये क्या होगा, जब भी हमारी ट्रेन खड़ी होगी तो हम अंडरग्राउंड देख सकते हैं यहाँ पे अंडरग्राउंड पाइप सीवेज, अंडरग्राउंड ट्रीटमेंट प्लांट्स ऐसे लगाएंगे जिससे डायरेक्टली जो वेस्टेज है वो डायरेक्टली कलेक्ट होकर बायोगैस, नीचे देख सकते हैं बायोगैस प्लांट में जाएंगे, फिर उससे ये एनर्जी प्रोडक्शन होगी. मतलब जो हमारा एम है वो कंट्रोल पॉल्यूशन, मतलब जो रेलवे सीवेज से होता है, और पॉल्यूशन जो मतलब इससे एनर्जी जो बनेगी वो पूरे स्टेशन को एनर्जी देने के लिए रहेगी. इट्स मीन डैट अभी हम लोग यूज़ कर रहे पेट्रोल गैसेस जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, बट इधर पे ये ग्रीन एनर्जी है मीन्स क्लीन, मतलब कोई भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, फार्मर्स लोगों के लिए भी अच्छा है, और ये इकोनॉमिकली बहुत ही चीप और सक्सेस है, और ये प्रैक्टिकली हमने करके दिखाया है इसके लिए सक्सेस होगा. ये आइडियाज़ हमारे दिमाग में था भाई सर, इसके लिए हमने सबसे पहले टेक्नोलॉजीज यूज़ की, थ्री टेक्नोलॉजीज. तो पहले टेक्नोलॉजी से वो इंडिकेटर, ये आइडिया सर हमारे मतलब हम देखते हैं कि आजकल मतलब इंडिकेटर्स वाटर लेवल इंडिकेटर्स लगते हैं, ये सेम इंडिकेटर हमारा मीन्स जो सीवेज टैंक है उसे भी फुलफिल करने के लिए. और सेकेंड आइडिया सर ये डायरेक्टली ये कलेक्ट करने वाला, इसे क्या था, ये आइडिया हम मतलब बचपन से पढ़ते आए कि हमारा जो बायोगैस है उसमें जो ह्यूमन फेसेस, हम जानते थे इसमें गोबर गैस मतलब गोबर डालते थे तो ये प्रोड्यूस करता था एनर्जी, बट सर ये हमने पता लगाया कि जब हमारा ह्यूमन फेसेस है
उसे भी डालने पर ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए हमने ये सीधे सीधे क्यूबॉइडल टैंक, हमें इतना ही आइडिया आया कि मतलब ये क्यूबॉइडल टैंक फिट करेंगे तो जो ह्यूमन फेसेस है वो डायरेक्टली इसके अंदर ड्रॉप होंगे। सबसे पहला हमने यही आइडिया आया कि हमें ये ब्लॉक करना है, ये जो ओपन सीवेज है इसे ब्लॉक करना है, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने सोचा कि इससे में और भी कुछ इसे आगे करते, पॉल्यूशन तो जीरो हो गया बट इसे हमने यूज़ में लाना है। इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, ये बायोगैस प्लांट इस्तेमाल किया। इसे यूज़ करने के बाद हम डायरेक्टली ये सब सक करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। थैंक्स थैंक्स।